नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपरकट। आज चौथा T20 मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है। यूं तो यह ग्राउंड बड़ा खास है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बगैर दर्शकों के ये दूसरा T20 मैच होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए ये ग्राउंड अच्छा साबित नहीं हो रहा है। टेस्ट मैचेस को अगर हटा दें, T20 में बॉलिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही है इस ग्राउंड पे, जिस हिसाब से ग्राउंड चाह रहा है भारतीय गेंदबाजों से। बल्लेबाजी में ओपनिंग की गुत्थी लगातार उलझी हुई है। तीनों मैच में नए नए ओपनर्स के साथ भारतीय टीम खेलने उतरी है। फील्डिंग में विराट कोहली ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बना लिया है। T20 में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाले क्रिकेटर बन गए। तो ऐसी तमाम दिक्कतें टीम के साथ आ गई हैं। कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड प्लेयर्स को ले लिया है, जिन्हें छांटने में रवि शास्त्री, आर श्रीधर, भरत अरुण और विक्रम राठौर, ये जो पूरा पैनल है, इन सबको कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत हो रही है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। नरेंद्र भाई, जब ज्यादा अच्छी चीजें मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनको संजो के रखने में भी काफी दिक्कत होती है। नहीं देखिए, यहाँ जो भी टीम का जो पैनल है, जो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं जरूर ऐसी कमी है, जब आपके पास बेस्ट रैंक से आपके पास प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें रोटेशन पॉलिसी में रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोर प्लेयर जो टीम जिताने वाले हैं वो हैं। आप जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हल्की लग रही है, और आप कहीं ना कहीं इनको रिप्लेस करिए। जहाँ दो मैच हारने के बाद मुझे क्या पूरी क्रिकेट फैनेटिक को ऐसा लगा था कि केएल राहुल बाहर होंगे और रोहित शर्मा इन हो जाएंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना वो कुछ समझ में नहीं आया। और आप देखिए कि हमारे जो फ्रंटलाइन बैट्समैन थे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, वो पावर प्ले में जो है वो अपना कारनामा नहीं दिखा पाए। और ये कहिए कि कोहली की टाइमली एक अच्छी इनिंग देखने को मिली, क्योंकि वो फॉर्म में आ चुके हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 130-135 से ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा। और सबसे सरप्राइजिंगली ये लगा कि सूर्य कुमार यादव, जो कि इतना अच्छा उनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, पीछे परफॉर्म करके आ रहे हैं, यंग है, फिट है, और ये स्पेशलिस्ट है T20 के, उनको बिना मैच खिलाए बाहर कर दिया गया। ये सारी चीजें हैं, ये कुछ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल ज्यादा ट्रस्ट किया गया है, और उसका ये अब मुझे लगता है कि आज तो ये ऑटोमेटिक चॉइस सूर्य कुमार यादव बने चाहिए और केएल राहुल को बाहर होना चाहिए। और बॉलिंग में जहां तक अगर बात करी जाए, थोड़ा सा पैनाबैन की कमी है और बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जसन राय और जॉस बटलर और जॉनी ब्रेस्टो, ये बहुत आसानी से 160-165 का टारगेट जो है अचीव कर लेते हैं। तो अगर टीम अगर पहले खेलती हिंदुस्तान की और उनको पहले खिलाया जाता है, तो मुझे नहीं लगा कि 180 से कम रन जो है सेफ है, क्योंकि बाद में बिल्कुल विकेट पैदाइज हो जाता है। और इनके जो बैट्समैन है, स्पेशलिस्ट जो जैसल राय और ब्रेस्टो और मॉर्गन, ये तो बस इनके इनको तो फ्री लाइसेंस मिला हुआ और काफी मैच्योर लग रहे हैं क्रिकेट के। तो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है ये जो कॉम्बिनेशन, लेकिन नरेंद्र भाई एक चीज और भी है। विराट कोहली ने पिछले मैच के प्रेजेंटेशन में कहा आखिरी में कि हम राहुल के साथ ही जाएंगे, वो एक गेम चेंजर है, उन्होंने बैक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन मेरा मानना है कि वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसी नहीं होती है। वर्ल्ड कप की तैयारी बिल्कुल अलग है। वर्ल्ड कप एक तरीके का जैसे स्कूलों में फाइनल एग्जाम होते हैं, वैसे ही आपका है। और इसके बाद आप कोहली 4 साल, रोहित शर्मा 4 साल, 5 साल मैक्सिमम क्रिकेट बचा है। अगर उस बीच भी हम लोग किसी को आने नहीं देंगे, सूर्य कुमार यादव एक 28 साल का लड़का है मुंबई से, अगर वो खेलता है और इतना सब कुछ करके जब इंडिया टीम में आता है, काफ़ी सेलेक्टर्स बुरी बातें सुनते हैं सूर्य कुमार यादव के चयन ना करने पर, फिर वो टीम में आता है और सिर्फ उसका रोल क्या होता है कि एक कैच उसने बाउंड्री पर छोड़ा और एक 30 यार्ड से 20 यार्ड और दूर उसने पकड़ा, बस ये दो कैच उसके पूरे मैच में दिखे और टोपी लेते हुए फोटो। तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव इस चीज़ के लिए तो नहीं बने थे। सूर्य कुमार यादव को अभी और मैच खेलने हैं, ऐसे उनका मोराल डाउन हो जाएगा। अभी एशिया कप में और टेस्ट चैंपियनशिप में दो टीमें बनाने की बात चल रही है BCCI की, दो अलग अलग टीमें भेजी जाएगी। अगर वो T20 होता है एशिया कप, तो उसमें क्या केएल राहुल इधर भी जाएंगे, केएल राहुल टेस्ट में भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस दिमाग से भी चलना होगा विराट कोहली को। सिर्फ एक प्लेयर की बैकिंग करने से कोई बड़ा प्लेयर नहीं बनता। बड़े प्लेयर केएल राहुल वैसे भी हैं, आपको युवाओं को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, जैसे आपको गौतम गंभीर ने किया था।
आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को धोनी ने किया था, वैसे आप ईशान किशन, राहुल तेवतिया और सूर्यकुमार यादव को भी बैक करके टीम में लाए। देखिए बहुत अच्छी बात है विशाल, जब तक हम खिलाड़ी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे और उसकी कमियों पे हम ज्यादा अगर उसको हम मॉनिटर करेंगे और उसके जो पॉजिटिव पॉइंट अगर हम भूल जाएंगे तो इस तरह की दिक्कत आएंगी। मेरे ख्याल से कोहली को थोड़ा सा एक कहते हैं कि हेलीकॉप्टर व्यू अपने दिमाग में ऐसा रखना चाहिए कि प्ले कैच छूट गया है लेकिन वो एक कोर प्लेयर है, वो मैच को इधर से उधर करने वाला प्लेयर है, तो उनको जहां तक की वर्ल्ड कप ही बनाने की बात है, अगर टीम में हमारे पास एक ऑप्शन है तो क्यों ना उनको ग्रूम किया जाए। और जरूरी नहीं है कि केएल राहुल की परफॉर्मेंस जो है हमेशा लगातार कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप सूर्यकुमार यादव को कॉन्फिडेंस देंगे इंटरनेशनल का और ये उनको फील देंगे तो मुझे लगता है कि एक आपके पास एक एक और अच्छी चॉइस बन सकती है। तो मेरी जो सोच है यहाँ पे थोड़ी सी एक ब्रॉड सोच है कि कहीं खिलाड़ी को ट्रस्ट करना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तमाम हिंदुस्तान के ऐसे क्रिकेटर हुए हैं, मुझे याद कि जब राहुल द्रविड़ का डेब्यू हुआ था शुरू में बड़े फ्लॉप रहे लेकिन मैनेजमेंट ने टीम में उन्होंने देखा कि डोमेस्टिक में इतने बड़े रन बना के आ रहे हैं और यही सौरभ गांगुली के साथ हुआ, हरभजन सिंह के साथ हुआ। तो ये खिलाड़ी अगर हम धोनी की अगर बात करें तो सौरभ गांगुली ने धोनी को बैक किया, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनको एक अपनी विचारधारा चेंज करनी पड़ेगी। सबको एक जितने ही हमारे तर्कश तीर हैं ये मोती हैं इनको सबको बांध रखना पड़ेगा। वर्ल्ड कप तक हमें लगता है कि सारी चीजें दूर करके एक यूनाइटेड होके टीम को एक दूसरे को खिलाड़ी को बैक करें, एक बड़ी सिस्टम बनना चाहिए। और इंडिया के पास बहुत अच्छा अभी सेटअप है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको बस सही समय पे कहां पे उसको बैटिंग करनी चाहिए और उनको विश्वास में रख के उनकी बैटिंग कराई जाए तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होगी टीम बनाने में। बिल्कुल टीम मैम नरेंद्र भाई, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर टीम को देखा जाए हमारे प्लेयर्स हर चीज़ के, आप अभी कल हमारे साथ झारखंड के जो चीफ सेलेक्टर हैं और जिन्होंने ईशान किशन को सेलेक्ट किया जूनियर क्रिकेट से लेकर रणजी ट्रॉफी तक, मनोज जी, वो बता रहे थे कि जिस तरह से आप किसी कप्तान का डाउन आप नहीं दे सकते किसी को, कप्तान का डाउन एक लड़का 60 रन बना दिया पहले मैच में अच्छी बात है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको आप एकदम से कप्तान अपना डाउन दे दें कि आप इस डाउन पे खेलिए, तो इतने अच्छे अगर वो होते तो 3 साल पहले 4 साल पहले ही डेब्यू कर चुके होते। अगर इतना एक्सपीरियंस होता और इतनी ही उनके अंदर काबिलियत होती, हर कोई विराट कोहली नहीं है कि नंबर 6 पे भी खेल लेगा, नंबर 4 पर भी, नंबर 3 पर, ओपनिंग में भी जगह बना लेगा। इतना जल्दी आंखें बंद करके भरोसा करना, कहीं ना कहीं आंख बंद करके भरोसा करने की जो आदत टीम इंडिया में अब चली है कि वॉशिंगटन सुंदर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो टीम में रहेंगे, राहुल तेवतिया चाहे 100 विकेट लेके आए वो टीम में नहीं रहेंगे, केएल राहुल 10 मैच और 0 बना दे लेकिन विराट कोहली उन्हें बैकअप देते हैं पूरा, रवि शास्त्री उन्हें बैक करते हैं, वो टीम में रहेंगे। ये चैलेंज जो है ये बंद करना पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो कप्तानों की कोई ना कोई एक फेवरेट चॉइस कहीं कहीं कुछ ऐसे क्रिकेटर होते हैं लेकिन आंख बंद करके उन पे विश्वास नहीं करते रहना चाहिए कि उनको फ्लॉप होते जा रहे हैं, उनको चांस देते जा रहे हैं, वो चीज गलत है। क्वेश्चन जब उठ लगते हैं तब वहां पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर भी बात होती है। तो अब ऐसा इतना बहुत ज्यादा अभी मुझे लगता है कि इतना टाइम नहीं हुआ है, अभी भी अगर हमारे पास जब विकल्प है इस तरह के हमारे पास प्लेयर है तो उनको फ्रंट लाइन पे उनको कहते हैं कि एक तैराक को अगर स्विमिंग अच्छी सिखानी है किसी को तो उसको पानी में डालना पड़ेगा, इनको आज मौका देना पड़ेगा तभी तो ये आगे चल के तैयार होंगे। अगर इनको इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पे अगर हम इन पे ज्यादा चर्चा करेंगे तो ये इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है इनकी पॉजिटिविटी है वो ऊपर नहीं आ पाएगी और ये दबते चले जाएंगे। और जबकि पूर्व में ये अभी मुझे याद है विजय हजारे में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी इन्होंने, सूर्यकुमार यादव ने आईपीएल में जबरदस्त खेलते हैं, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है वाले प्लेयर को भी खिलाते हैं। और जहां अब हिंदुस्तान खेलने की बात है जिस तरह से ईशान किशन को बैक किया गया है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो खिलाड़ी मुझे तेवतिया पे भी काफी भरोसा है कि वो भी अच्छा करेंगे और सुकुमार की तो ये पिछले मैच में भी ऑटोमेटिक चॉइस बन गई थी, पता नहीं वो बिना खेले कैसे बाहर हो गए। आज मेरे ख्याल से राहुल को बाहर थोड़ा सा बैठा पड़ेगा और कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ने जरूर डिसाइड किया होगा कि कुछ ऐसी प्लेयर को डाला जाए जिससे कि टीम थोड़ी और स्ट्रेंथ हो और पहले भी अगर बैटिंग आती है तो कम से कम 9 की एवरेज से रन तो बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल 9 की एवरेज से रन बनाने पड़ेंगे और थोड़ा बॉलिंग में भी सुधार होगा। नरेंद्र भाई आपसे बात करेंगे इस पर कि बॉलिंग में भी क्या कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं और कैसे बॉलिंग
को अपनी धारा बनाया। फिलहाल यहां वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अपरकट में। भारतीय टीम एक मैच को अगर छोड़ दें तो लगातार दो मैचों में उनकी कहीं न गेंदबाजी से कहीं फ्लॉप हुए, तो कहीं बल्लेबाजी से, तो कहीं फील्डरों ने साथ नहीं दिया। गेंदबाजी में वो धार दिख नहीं रही है। जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और शमी अहमद के ना होने पर टीम इंडिया की गेंदबाजी में वो धार नहीं नजर आ रही है। कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो 130 प्लस बॉल फेंक सके और इंग्लिश बैट्समैन को परेशान कर सके। इन सब पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए। नरेंद्र भाई, कोई एक ऐसा बॉलर नहीं जो 130 प्लस फेंक दे, ये भी एक थोड़ा माइंड सेटअप होता है कि शार्दुल ठाकुर आकर लेग कटर तीसरी गेंद से चालू कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है उन्हें। थोड़ा जैसे वो आपको आके आर्चर और मार्कवुड परेशान करते हैं पहली गेंद से, बाउंसर मारते हैं, ऐसा एक बॉलर नवदीप सैनी इस टीम में लगता है मुझे उसको खिलाना चाहिए। नवदीप सैनी को अगर मौका मिलेगा तो परफॉर्म करेगा। देखिए, ये तो बिल्कुल निश्चित तौर से अब T20 में ये काफी हद तक साबित हो चुका है कि अगर आप फेस बॉल से पावर प्ले में 140 की प्लस बॉल नहीं डालेंगे और आप एक मीडियोकर बॉलर की तरह 130-132 तक डालेंगे, 135 तक डालेंगे, तो संभवतः आप मार जरूर पड़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं ये कमी है। और अगर 6 ओवर में भी अगर दौड़ के स्लोअर डाल रहे हैं, कटर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है आपकी बॉलिंग में, आपको थोड़ा पैनापन लाना पड़ेगा। पैनापन और ऐसा पैनापन नहीं कि आप सीधे, जैसे सिराज है वो तेज है, वो पहले से लेके 4 ओवर तक वैसे ही डालेंगे। मोहम्मद शमी तेज के साथ साथ थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो अपने हिसाब से उनकी बॉल रिवर्स स्विंग होती, कब उन्हें बाउंसर मारनी, कब यॉर्कर मारनी, कब स्लोवर यॉर्कर मारनी, ये पता है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार एक स्विंग बॉलर है, उनका साथ देने के लिए कोई अगर एक तेज गेंदबाज हो तो कहीं ना कहीं वो जोड़ी बन नहीं पा रही हो भुवनेश्वर कुमार की, और उनको कोई साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो प्रेशर में वो रन खा जा रहे हैं। देखिए, ये तो निश्चित तौर पर है कि अगर हम पावर प्ले में उनके खिलाड़ियों के जो कि फ्रंट लाइन बैट्समैन है, जस्टन राय और बटलर और मॉर्गन और जॉनी ब्रेस्टो, अगर इनको अगर हमने अर्ली जॉर्ज नहीं दिए, अगर इनको आउट नहीं किया, ये फिर आखिरी तक कोई एक प्लेयर जरूर खेलता है, वे लंबे रन बना देते हैं और चेस करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन अगर ये पहले भी खेलते हैं तो अच्छा टारगेट दे सकते हैं। अब रही बात जहां तक मीडियम फास्ट बॉलर की है, तो जरूर बुमराह की कमी, शमी की कमी इन लोगों को खल रही है, लेकिन नवदीप सैनी हमारे पास एक विकल्प है, उनको भी एक कलेरा रख के उनको चांस देना चाहिए कि उनको खिलाए, भले ही जो भी जैसा भी बॉल डाले, लेकिन उसके पास एक एबिलिटी है बॉल तेज डालने की। अगर वो एक आधा एक दो प्लेयर्स अगर वो ऊपर से आउट कर देते हैं तो आपके पास मैच आ सकता है, तो ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। और जो पीछे ये बॉल खेल रहे हैं, इनको जो चांस मिला है, इनको मुझे लगता है भरपूर चांस मिला है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो इनकी इन्होंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश भी करी है, तो अब टाइम है कहीं ना कहीं रोटेशन का। बाय द टाइम जब वर्ल्ड कप के पास आएंगे, तब तक हमें बुमराह, उमेश, शमी, इनकी सेवाएं भी मिलेंगी, तो हमारे पास एक अच्छा बंच तैयार हो जाएगा। वो बंच तैयार हो जाएगा, तो उस बंच से हम लोग अच्छे अच्छे प्लेयर निकालेंगे और अच्छे ही हमारे बेंच स्ट्रेंथ पे भी रहेंगे। इन सब पे चर्चा करेंगे। और एक बड़ी बात जो इस टाइम बहुत परेशान करने वाली होगी भारतीय टीम को, कि जो फील्डिंग के लिए इसको कहा जाता है कि भारतीय टीम बेस्ट फील्डर्स हो गए हैं टीम में और कहीं कोई दिक्कत नहीं है फील्डिंग डिपार्टमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं, जो हाथ के कैच छूट रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आर श्रीधर जो फील्डिंग कोच है उन्हें ध्यान देना होगा। इन सब पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल यहां वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बीमा आगरा की विषय वस्तु है। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपर कट में। हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों को अभी कहीं ना कहीं फील्डर्स का साथ नहीं मिल पा रहा है, कैचेस छूट रहे हैं, मिसफील्ड हो रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो रनआउट भी छूट रहे हैं और रनआउट हम लोग हो भी रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड कप अब टाइम घटता जा रहा है और टीम इस तरह से परफॉर्म करेगी, 2-1 से घरेलू सीरीज में पिछड़ गई है, उसको देखते हुए अब विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को कुछ फैसले लेने होंगे। कुछ जो नरेंद्र भाई ने कहा कि तर्कश के तीर इस्तेमाल करने होंगे, नरेंद्र भाई अब रवि शास्त्री को भी कुछ इन्वॉल्वमेंट दिखानी होगी गेम में। सिर्फ वो मैच से पहले हडल बना के बात जो करते हैं उसके अलावा भी कुछ बात करनी होगी। अब देखिए, हिंदुस्तान में अभी पीछे 10-15 सालों में बहुत से फील्डर हुए, उनकी कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी छाप इन खिलाड़ियों ने दी है कि ये जैसे युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना और ये आउटस्टैंडिंग जो है इन्होंने फील्डिंग करी है। अब आपके अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो लेकिन फील्डिंग की बात है, इतनी अच्छी फील्डिंग हुई नहीं, उसका एक रीजन ये भी है कि हर खिलाड़ी की अपनी एक एबिलिटी होती है प्लेस पे फील्डिंग करने की। अगर आपको याद हो कि एक मैच में भुवनेश्वर कुमार को पॉइंट पे फील्डिंग कराई जा रही थी, अगर याद हो तो वहां जब स्क्वायर कट किया उन्होंने बल्लेबाज ने, तो वो उनके लेफ्ट साइड पे वो कांटा बदला बल्ले और वो मूव करेगी, क्योंकि वो फील्डिंग कभी कर रहे नहीं है वहां पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ पे फील्डिंग कराई जा रही है। जिसके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं, जिसकी एजिलिटी अच्छी होती है, उसको सर्किल में फील्डिंग करानी चाहिए। लेफ्ट हैंड को जिसका मूवमेंट अच्छा है उसको पॉइंट पे या कवर पॉइंट पे करना चाहिए, स्कॉलेग पे और मिड विकेट पे उसकी मूवमेंट ज्यादा अच्छे हो, पीछे फील्डिंग उसको करानी चाहिए जिसके थ्रो अच्छे हो। तो ये सब जो चीजें हैं ये मैनेजमेंट जरूर कहीं ना कहीं ये सोच रहा होगा जो पीछे प्रीवियस गलती हुई है, लेकिन मोटे तौर पर ये बीइंग ए कोच हम लोग ये मॉनिटर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये प्लेयर का प्लेसमेंट, उनका पोजीशनिंग कहीं ना कहीं इनको गलत रखा गया है। एक ये भी इस पर वर्क करना पड़ेगा रवि शास्त्री और स्पिनर को, और मुझे उम्मीद है कि ये जो चीजें कमियां हैं आगे धीरे धीरे इन्होंने इम्प्रूव करी होंगी और वर्ल्ड कप तक जो भी फाउल है, जो फॉल्ट है, उनको कंप्लीट करके एक अच्छी टीम बना सकते हैं। नटराजन हमारे पास एक है, लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट आर्म मीडियम बिलर है, एक डिफरेंट एंगल बॉल डालते हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है। नरेंद्र भाई, कुछ दिक्कतें हैं, युवा प्लेयर हमारे पास बहुत भी हैं जिनको टीम में बड़ा BCCI जो चयन कमेटी है बड़े उम्मीदों के साथ रखती है, वरुण चक्रवर्ती, टी नटराजन, ऐसे बहुत 3-4 प्लेयर और हैं जिनको बड़ी उम्मीदों के साथ रखा जाता है टीम में, लेकिन एक साथ उनके ये दिक्कत है कि वो फिटनेस पे काम नहीं करते हैं। टी नटराजन भी चोटिल हैं, उनका रिप्लेसमेंट चल रहा है, अगर वो फिट हो जाते हैं तो टीम में रहेंगे वरना वो बाहर हो जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती का तो कुछ कहना ही नहीं है, वरुण चक्रवर्ती NCI नहीं गए टेस्ट देने, तो वरुण चक्रवर्ती तो इतना काम का बॉलर है भारतीय सरफेस पे, अगर बात की जाए युजवेंद्र चहल के साथ अगर इतना शानदार बॉलिंग करेगा, लेकिन वही दिक्कत है कि किसी के होता है कि इंडिया में आपकी जर्सी इंतजार करती रहेगी और करती रहेगी। वरुण चक्रवर्ती के लिए सबने कह दिया ये, मतलब विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हैं वो डेडिकेशन ही नहीं दिख रहा है इंडिया खेलने वाला, अब इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। देखिए, वरुण चक्रवर्ती नो डाउट उन्होंने अपनी जो बॉलों से प्रभावित किया है और उन्होंने IPL में अपनी जो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है, और मैंने उनके बारे में काफी रिसर्च करी है, और उन्होंने काफी लेट क्रिकेट स्टार्ट किया, इतना लेट क्रिकेट स्टार्ट करने के बाद भी उनके पास वो
कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है कि वो कहीं इस मैचेस में जो इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं जो कि डाउन टू लाइन सीधे बैट से अच्छा मारते हैं और लेसिड विकेट अच्छा खेलते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती के पास कहीं ना कहीं ऐसी विशेषताएं हैं बॉलिंग में जहां पे आपके फुट को रीड करके बॉल लेट रिलीज करते हैं, एंगल चेंज करते हैं। जिस तरह से आपको याद होगा श्रीलंका के अजंता मेंडिस आए थे, बिल्कुल उनको जब उनको समझा उन्होंने उन्होंने जबरदस्त अपनी जो है परफॉर्मेंस दे दी, तो खिलाड़ियों को कहीं अपनी फिटनेस, अपना खान पान, अपनी लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खेलना और कंट्री के लिए खेलना ये बड़ी गौरव की बात होती है, सबका ड्रीम होता है। तो जहां अगर वरुण को इस तरह की फिटनेस की थोड़ी दिक्कत है तो उनको वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा सा इस पे अपना वर्कआउट करना चाहिए, अपने कोचेज के साथ बात करनी चाहिए कि ये टाइम एक बार जब निकल जाता है फिर वापस नहीं आता है। और बिल्कुल इस दौर में भारतीय टीम में अगर कोई प्लेयर ऐसा करता है, फिट नहीं है, तो वो अपनी जगह को थोड़ा डाइसी माने। जहां पर रोहित शर्मा, धवन और किसी किसी मैच में अगर बात की जाए तो टेस्ट के कप्तान हमारे वो कप्तान है जिनके रहने बाहर हो जाते हैं, तो इस टीम में अब कुछ भी हो सकता है, इतना टैलेंट भर चुका है। आपके पास आएंगे नरेन, उससे पहले वक्त आया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। खबरों का सारथी। रिकवा का स्वागत हमारे खास प्रोग्राम अपर कट में। बात कर रहे थे चौथे T20 में भारतीय टीम को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रखें, और उसी हिसाब से मैच अगर खेलें। फील्डिंग डिपार्टमेंट, ओपनिंग की गुत्थी को सुलझाए, ओपनिंग किससे करना है, एक परफेक्ट पेयर को चुन लें, वो धवन हो, रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो या KL राहुल हो। ऐसे रोज और हर मैच में रोटेशन पॉलिसी ओपनिंग में चलेगी तो वो टीम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और दूसरे एंड से अगर आप चेंज करते रहेंगे तो एक एंड पर वो तालमेल नहीं बन पाएगा। नरेंद्र भाई सहमत है इस बात से कि नहीं, अगर एक एंड पर लगातार चेंजेस होंगे तो दूसरे एंड पर तालमेल बनेगा नहीं और फिर वो बात नहीं बनेगी ओपनिंग वाली? देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट होना चाहिए खिलाड़ियों पे, ट्रस्ट भी करना चाहिए, उनको एक फ्री लाइसेंस भी देना चाहिए कि हाँ, जिस तरह से सूर्यकुमार के ऊपर एक प्रेशर होगा क्योंकि वो बिना खेले बाहर हो गए, आज उनको चांस मिलता है, तो इस तरह की जो कमियां हैं इनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मुझे तो याद है कि हिंदुस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को अपनी फील्डिंग से भी मैच जो है जीते हैं। कहा जाता है कि अगर आपके पास लिमिटेड बॉलिंग है और एवरेज बैटिंग है और आउटस्टैंडिंग आपके पास फील्डिंग है, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ, तो इससे बड़े बड़े मैच जीते जा सकते हैं। आप डाइव करके अच्छे कैचेस उठा लें, अच्छे शॉट को कन्वर्ट कर लें, और दाएं बाएं आप अपना डाइव मार के अगर आप चौके रोक लेते हैं, और अपनी एवरेज बैटिंग मतलब 6 ओवर के पावर प्ले में विकेट बचाते हैं, रन बनाते हैं, मिडिल ओवर्स में आप सिंगल डबल का गेम खेलते हैं, और नीचे अगर एक प्लेयर कोई ऊपर से बचता है और वो लास्ट तक खेलता है, तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी होती है कि हमें आउटस्टैंडिंग फील्डिंग अगर करते हैं, फील्डिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो और T20 में कम बैक करने के लिए टाइम नहीं मिलता है क्योंकि छोटा वजन है। तो यहाँ पे अगर कोई अच्छा प्लेयर मारने वाला है, 30 मैचेस पे खेल रहा है और आपने कैच हो दिया, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आ जाती है, वो 70-80 रन भी मार देते हैं खिलाड़ी। तो यहाँ थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, थोड़ी सी फील्डिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी फिटनेस और वर्क करना चाहिए, खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होने चाहिए पीक टाइम में आके, जो खिलाड़ी जो टॉप सीजन होता है उसमें अपनी इंजरी को कैसे प्रिवेंट करना, ये सारी चीजें हैं, इसको कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से पहले पूरा जितने भी इनके फाउल्स हैं
और कहते हैं कि एक जहाज जब पूरा सेल करता है लंबे डिस्टेंस के लिए जाता है तो उसके जितने फाउल होते हैं जितने उसे छेद होते हैं उसको भर दिया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि इसे जो भी वीकनेसेस हैं उनको कहीं मॉनिटर किया जा रहा होगा, आगे चल के एक अच्छी टीम हिंदुस्तान की बन जाएगी। बिल्कुल, और इस सीरीज की अगर बात की जाए, इस सीरीज में जिस तरह से भारतीय टीम की फील्डिंग हुई है कहीं कहीं तो बहुत अच्छी हो गई है, पर कहीं ऐसा लगा है कि भारतीय टीम विकेट माफ करिएगा फील्ड पर है ही नहीं। भारतीय टीम में पॉइंट और कवर्स को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी टीम में। उस पॉइंट की पोजीशन में जॉन्टी रोड्स, रिकी पॉन्टिंग, पॉल कॉलिंगवुड, सुरेश रैना, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, ये जो एरिया होता है 30 yard का ऑफ साइड पे, यहाँ पे ऐसे लोग लगा करते हैं। वहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर जो फाइन लेग थर्ड मैन और डीप में फील्डिंग करने वाले हैं, वहाँ विराट को खुद लगना चाहिए, केएल राहुल को आप लगाइए, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे फील्डर हैं, ईशान किशन बहुत अच्छे फील्डर हैं। तो कुछ फील्डिंग के लिहाजे से इन सब पे ध्यान देना चाहिए, और बैटिंग ऑर्डर पर सबसे बड़ा ध्यान, और बॉलर आज कौन, नवदीप सैनी खेल सकते हैं, और ये पूरे आस लगाया जा रहा है राहुल तेवतिया को भी डेब्यू कराया जा सकता है। फिलहाल के न्यूज़ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन भाई। तो हम लोग आज बात कर रहे थे चौथे T20 में विराट को एक जीत की आस है, और इस सीरीज में बने रहने के लिए विराट कोहली की टीम को जीतना बहुत ज़रूरी है। इंडिया को, इंग्लिश को आज बल्लेबाजों को जल्दी आउट करना होगा, और अगर आप चेस करते हैं या आप उन्हें चेस कराते हो शानदार बॉलिंग भी करनी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधार शिला योजना। 75,000 से 3,00,000 रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्को मोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।